महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही इस मौके पर किसानों के लिए जल्द नई सौगात लाने का भरोसा भी दिलाया गया और मुख्यालय से बाहर रहने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। नांदेड़ जिले के बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता आर कांबले ने हाल ही में किनवट और माहूर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लिया, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों से बातचीत करके ग्रामीणों को बेहतर बिजली सुविधा देने पर जोर दिया गया। जिन ग्राहकों का बिजली बिल बकाया है, ऐसे मीटर बंद करने और बिल वसूलने के कड़े निर्देश दिए गए। खराब मीटर को तुरंत बदलकर ग्राहकों को नए मीटर देने का आदेश भी जारी किया गया। आपको बता दें कि आर कांबले अचानक किसी भी डिवीजन में जाकर खुद ही मीटर को चेक करते हैं। ऐसे में बिजली मीटर में गड़बड़ी निकलते ही स्थानीय अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आजकल जो थेफ्ट है, कंज्यूमर का बिल पेंडिंग है, एरियर्स का कंज्यूमर है, उन लोगों के डिस्कनेक्शन होना, पैसा कंपनी के पास आना, इसलिए हर स्तर पर जैसे सेक्शन लेवल ऑफिस है, सेक्शन लेवल ऑफिस पे जो भी काम करने वाला कर्मचारी अधिकारी गण है, जो भी काम कर रहे हैं। मैं गया अभी माहौर में था, माहौर में मैं खुद पेड पेंडिंग लिस्ट ले लिए और चेक कर लिए, उसमें मेरे को दो कनेक्शन चालू ही निकले, तो उनका इन एशिया भर दिए, तो अपना रेवेन्यू चालू हो जाता। ऐसे भी काम नॉन एजी सेल है, जैसे नॉन एजी सेल के भाई जब तक अपना अपना सेल बढ़ता नहीं, यूनिट्स बढ़ते नहीं, तब तक अपनी डिमांड रेज नहीं होती, पैसा भी नहीं मिलता। इसीलिए नॉन एजी सेल बढ़ाने के लिए जैसे आरएनटी है, जो आरएनटी आरएनए फॉल्टी मीटर है, जो थेफ्ट मीटर है, वो वेरीफाई करके उनको रीडिंग लेके रीडिंग भर दे देना। भरने के बाद ही हमारा सेल बढ़ जाता है। हमारी टीम मोटो है, पहला मोटो है भाई कि सेल बढ़ाना, कंज्यूमर को अच्छी से अच्छी सेवा दे रहा, कंज्यूमर को कोई तकलीफ नहीं होना, और कनेक्शन उनको इन टाइम कनेक्शन में दे देना। ये तीन स्तर पर हम काम कर रहे हैं। कई कंपनियां प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर बिजली चोरी करने का काम करती है। ऐसे में आर कांबले ने जब से नांदेड़ बिजली विभाग का कार्यभार संभाला है, तब से हर वर्ष बिजली विभाग को 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होता है। जो ग्राहक बकाया बिल वक्त पर नहीं भरते, ऐसे ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। साथ ही 2018 में मार्च तक किसानों को कृषि पंप के लिए नई सौगात देने का भी भरोसा दिया गया है। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की डिमांड 40 से 41 लाख डिमांड है, 40 से 41 करोड़ की डिमांड चले जाती है, डिमांड रिकवर होती, पर जो बाकी जो है एरियस है, एरियस में जो पैसा का नहीं आता, इसलिए आप लोग डिस्कनेक्शन करना पड़ रहा है। सर, किसानों के लिए कोई खास अभी मौजूदा सरकार के इसमें मिल रहा है सर, जैसे कि डिस्काउंट? अभी किसानों के लिए कल ही हमारे डायरेक्टर साहब ने मीटिंग ले ली, हमारे जो महावितरण आपके दायरे में कनेक्शन थे जो कृषि पंप के लिए। नांदेड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई अधिकारी और कई कर्मचारी मुख्यालय से नदारद रहते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत भी कांबले ने दिया है। हर महीना मैं पूरा सेक्शन टू सेक्शन घूमता हूँ, आपसे बात होती है या कंज्यूमर से बात होती है, तो लोग बोले कि भाई हेडक्वार्टर में नहीं है, उसका एच आर बंद कर देते हम पहले। अभी बहुत से लोगों के एच आर बंद केस हुए, तो लोग रह रहे हेडक्वार्टर पे, नहीं रहने वालों के ऊपर आप किस तरह की कार्रवाई होगी? उसका एचआर घर पर एचआर बंद कर रहे और उसके डिसिप्लिन एक्शन ले रहे। बिजली विभाग के सुस्त रवैये को चुस्त दुरुस्त करने और ग्रामीणों को बिजली की अच्छी सुविधा देने के इरादे से आर कांबले अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को चाहिए कि वो बिजली विभाग का बकाया बिल जल्द से जल्द भरें और बिजली की चोरी करने से दूर रहें। राशिद फजलानी, इन24 न्यूज़, नांदेड़।